समाज का भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, एससी एसटी एक्ट या आरक्षण या आरक्षित वर्ग के जितने मुद्दे हैं वो संविधान के तहत बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किए हुए हैं, उनकी परिभाषित किया गया है कि भाई ये मुद्दे क्यों संविधान में लाए गए और इनका निवारण कैसे होगा। तो उसी के तहत जो कमज़ोर तबका है, जो एससी एसटी लोग हैं जिनको हम अनुसूचित जाति जनजाति भी कहते हैं, उन लोगों पर अत्याचार समाज में आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से, हज़ारों साल से होते चले आए हैं। गरीब को कोई भी सता लेता है, किसी भी तरह से उसको प्रताड़ित कर लेता है, उसके संसाधन नहीं है, वो केवल दो रोटी के चक्कर में ही गुलामी करता है, कुछ करता है। तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कांग्रेस सरकार ने 89 में इसको एससी एसटी एक्ट को बनाया था, जिसके अंतर्गत जो है प्रावधान किया गया था कि भाई किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति या किसी दलित समुदाय के लोग को कोई प्रताड़ित करता है, उत्पीड़न करता है, उससे जो है बिना पैसा दिए काम करवाता है, पैसे नहीं देता है, उसकी संपत्ति पर कब्जा करता है, गरीब होने के नाते, कमज़ोर होने के नाते जो भी उत्पीड़न या अत्याचार उस पर होते थे उनका निवारण किया कांग्रेस सरकार ने 89 में एक्ट ला के, और एक्ट के तहत साफ सुथरी बात करके पार्लियामेंट में उसको डिस्कशन करके सबकी राय से उस एक्ट को बनाया गया कि अगर कोई बिना कारण के किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश करे, उनको किसी जातिगत भावनाओं से उत्पीड़ित करे, समाज में उनका उत्पीड़न करे, सम्मान को ठेस पहुंचाए, या अत्याचार के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं तो उनको जो है उस तरह से धमकी दे या कई चीज़ों में हत्या भी हो जाती है, तो उसका निवारण किया था। और उसको भाजपा सरकार ने आते ही जानबूझ के कोर्ट के माध्यम से उसको पहले कमज़ोर किया और बाद में फिर उस प्रावधान को जनता ने जब आवाज़ उठाई अपने अधिकारों के लिए, आज ये समाज जो आरक्षित वर्ग कह लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग कह लीजिए, आज ये जागरूक हैं और शिक्षा की वजह से अच्छे खासे जागरूक हैं, तो उन लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो इन्होंने संसद में बिल पास करके भाजपा सरकार ने इसको पुनः जो है जीवित कर दिया। और उसमें दो प्रोविज़न उन्होंने अच्छे रखे हैं कि भाई अगर झूठी रिपोर्ट, झूठा केस कोई करता है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो इससे झूठ या किसी गलत नज़रिए से केस करने वाले पे भी प्रतिबंध लगा है, उसको भी सज़ा का प्रावधान है। इसमें अच्छी चीज़ उन्होंने ये अच्छे तरीके से की है और आज जो लोग सड़कों पर हैं या बंद करवा रहे हैं वो लोग उकसाए हुए लोग हैं, वो इसके मामले की जो गहराई है, मामले का जो प्रभाव समाज पे या देश में पड़ रहा है उसको ना समझे हुए इस पे जो उग्र रूप करके आज ये बंद कर रहे हैं, इसका देश में छुटपुट असर के अलावा कोई असर होने वाला नहीं है। क्योंकि हर वर्ग में, हर समाज में, हर वर्ग के लोग पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं कि भाई न्यायालय अपना काम करेगा, न्यायालय के काम में न्याय करना और अन्याय के खिलाफ सजा करना ये न्यायालय का काम है, इसमें आम जनता सड़क पर आए न आए इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में इस बंद का कोई असर नहीं है और कोई, आप देखिए सारे बाजार खुले हुए हैं क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई इसमें कोई गलत नहीं है। सर, अगर इसकी बात करें तो बीजेपी का ये कहना है तो समाज को बरगलाने में कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस का पदाधिकारी प्रतिनिधि होने के नाते खुले तौर पर कहता हूँ, कांग्रेस सरकार ने जो पेड़ लगाया, जो कानून बनाया, जो एक्ट बनाया, वो उसकी मजबूती के लिए काम करेगी या उसको कमज़ोर करने के लिए, उसको ढीला करने के लिए, या उसके आड़ में देश को कमज़ोर करने की कोशिश क्यों करेगी? ये एक बहुत ही क्या कहते हैं उसको, ऐसी मानसिकता है जिसका कोई आधार नहीं है। लोगों का इस तरह से कहना कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देश को कमज़ोर कर रही है, मैं खुले तौर पर कहता हूँ कि देश पहले है, देश की सुरक्षा, अखंडता और शांति, विकास, समृद्धि ये हमारे लिए पहले है, हम बाद में हैं। जब देश सुख शांति से रहेगा तो हमारी समृद्धि और सुख शांति बढ़ेगी। ये लोगों में गलत फहमी है कि हम एक दूसरे से टकराव करके शायद कोई स्पेशल विकास करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, उन लोगों को समझना चाहिए। मैं तो अपील करूँगा इस माध्यम से कि मामले को समझते हुए उसमें सरकार का, न्यायालय का और समाज का सहयोग करें कि ऐसी अत्याचार या उत्पीड़न समाज में न हो और समाज का विकास और सद्भावना न रुके। सर, एक और मुद्दा है राफेल डील का,
राफेल डील पे कांग्रेस का स्ट्रेटेजी वो हमने उसकी कीमत बताई, जबकि बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार का कहना है कि हम सुरक्षा की वजह से सुरक्षा के मद्देनज़र हम इसकी कीमत नहीं बता सकते। तो इस पे क्या है सब राजनीति है या नहीं है मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जिस कंपनी के द्वारा वो ठेका देकर खरीदी जा रही हैं उसकी जो सालाना अकाउंट एनुअल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है, उसका प्रॉफिट लॉस का अकाउंट बनता है, उसमें सारी कीमत खुले तौर पे होती है, जो CAG या जो ऑडिटर होते हैं वो चेक करते हैं। तो वो तो एक सार्वजनिक रिपोर्ट है उस कंपनी की, हर आदमी को शेयर होल्डर को मिलती है, उसमें गोपनीयता कहाँ आ गई? सरकार कहती है कि ये दो सरकारों के बीच का करार है, हम कहते हैं ये तीसरा आदमी बीच में कहाँ से आ गया जिसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और वो भी 3 गुनी कीमत करके। तो गोपनीयता तो स्वतः ही ख़त्म हो जाती है कि जब दो डायरेक्ट सरकारें आपस में बातचीत जिसको करना की है या करना है कहती हैं और वो एक तीसरे आदमी मीडिएटर के थ्रू उसको नई कंपनी बना के खरीदारी या ठेका देते हैं, तो ये अपने आप में उनके जो कथन है उसका खंडन होता है और कहीं ना कहीं उनकी नीयत में जो खोट है वो झलक जाता है। उसमें कहने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो आपका इसमें क्या स्टैंड है, मतलब कांग्रेस का एक आपकी प्रतिनिधि है कांग्रेस के, तो इसमें आपका क्या? कांग्रेस की नीति पारदर्शिता की रही है, पारदर्शिता से जो काम हो रहा होगा उसमें कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर आप पारदर्शिता नहीं रखेंगे और एक अहम की भावना से कि भाई आज हम सत्ता में हैं और सर्वे सर्वा हैं, जो भी चाहें जो भी करें उसको जनता स्वीकार कर ले और वो हर हाल में अच्छा ही है, देश हित में है, ये भी कहना आपका गलत है। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी और देश को कॉन्फिडेंस में लेके काम नहीं होगा तो ये उंगली उठने का काम होता ही रहेगा और जनता की जवाबदेही तो आपको आज नहीं कल देनी ही होगी।